टुडे आई एम गोइंग टू माई कॉलेज. आज मेरा सेकेंड ईयर का फर्स्ट डे है ऑफ कॉलेज और अभी मैं घर से निकल रही हूँ एंड आई एम गेटिंग टू लेट. तो मैं आपको बस में चल के अपडेट देती हूँ. बाई तो ये है भीड़ मेरी बस में. 1:30 बजे वाले बस स्टैंड. थैंक गॉड आज मुझे सीट मिली है एंड आई एम सिटिंग कम्फर्टेबली अपनी चप्पलें उतार के. तो दिस इज़ द स्ट्रगल आई गो थ्रू एवरी डे. प्लीज ओके गाइस. तो वी आर इन 17. तो हमने क्या सोचा था कि हम सुबह के यहाँ पे पास बनवाएंगे पर यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ थी पास बनवाने के लिए. करें क्रॉस. हाय डब्बा गाइस हम रोडवेज के सामने से भाग के आ रहे हैं. भाई गालियाँ खा रही हैं क्या? हम मोड़ के मुंह से वापस आ गए भाई. पर खैर जो भी है एनीवेज तो हम यहाँ पे पास बनवाने आए थे जो कि हमारा नहीं बना क्योंकि यहाँ पे बहुत बहुत ज़्यादा भीड़ थी. तो राइट नाउ वी आर गोइंग टू कॉलेज एंड हम सेकेंड ईयर में हो चुके हैं और हमारा पिछले सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आया इसलिए हम इतने खुश हैं बट हम इतने खुश नहीं होते. तो अभी हम चलते हैं कॉलेज एंड मैंने लिपस्टिक वगैरह कुछ भी नहीं लगाई है. आज मैंने सोचा था मैं गेट रेडी विद मी शूट करूँगी बट नहीं हो पाया क्योंकि मैं बहुत लेट हो गई थी. हाँ गाइस हम लोग पहुँच चुके हैं कॉलेज जस्ट में एंड अभी मैंने फेस वॉश किया अपना क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है. आई कांट इवन टेल यू. तो मेरे ना पूरे फेस पे स्वेटिंग हो रही थी और मैं नहीं चाहती थी कि मैं स्वेट में घूमूं. मैं सनस्क्रीन लगाना भी भूल गई थी. तो अभी मैं आपको आउटफिट दिखाती हूँ. फिलहाल आप मेरा टॉप और ये ब्राउन जीन्स देख लो. तो अभी मैंने अपना फेस किया वॉश एंड मैं सनस्क्रीन वगैरह लगा के फिर आपसे मिलती हूँ. और गाइस बहुत ज़्यादा गर्मी है. अगर आप लोग आ रहे हो कॉलेज तो प्लीज़ मेकअप मत करके आना. बहुत बहुत गंदा बुरा हाल हो जाएगा. मैंने सिर्फ मॉइस्चराइजर लगाया था एंड मेरी स्किन का मतलब इतना ज़्यादा ऑयली ऑयली हो रहा है ना. छोटा सा गेट रेडी विद मी हो गया कॉलेज में आके क्योंकि इधर में मुझे करना ही पड़ता एंड मैंने बस ब्राउन लिपस्टिक लगाई है एंड आई एम गोइंग फर्स्ट टाइम. ये देख कितनी अच्छी लग रही है. सारी लेडीज ने बॉक्स पॉलिटिकल का घेरा घेरा मेरा. अभी हम लोग खाली क्लासरूम में बैठे हैं क्योंकि यहाँ पे फैन है एंड बिना गर्मी बिना फैन के तो यू नो बहुत मुश्किल है. लोग ये मेरी सखी मेरे लिए बैंडेज लेके आई है क्योंकि अपेरेंटली मेरी इस वाली उंगली में यहाँ पे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है. ये चप्पल मुझे काट रही है. तो अभी हम चलते हैं नेस्ट कैफे. वी आर गोइंग एट नेस्ट कैफे एंड वी आर ऑब्सेस्ड विद दिस सॉन्ग क्योंकि मेरी जुत्ती जो है वो मुझे बहुत तकलीफ दे रही है. पैडीज और अभी हम किसी सुकून की जगह में जा रहे हैं ताकि हम इन्हें बैठ के खा पाएं. मे बी अ क्लासरूम वुड बी फाइन. पैडीज एंड गर्मियों में पंखा मस्ट है. कॉलेज में इतनी ज़्यादा गर्मी आप देख सकते हो. ये रूम खाली है मतलब यहाँ क्लास नहीं लग रही बट स्टिल यहाँ पे कितनी ज़्यादा बच्चे बैठे हुए हैं. ये हमारे ग्रुप की एक नंबर की सट्टेबाज लड़की है. ये नेस्कैफे से एक्स्ट्रा कैचअप स्ट्रॉन्ग नहीं मेरे पास एक है. हम लोग गर्मी से बहुत बेहाल हैं और बहुत परेशान हैं. कॉलेज में एसी तो अभी मेरी एक क्लासेस 11:15 की जो टीचर नहीं आया है तो मैं मेरा ये पीरियड भी फ्री है ना. मुझे बड़ा बड़ी बड़ी गर्मी से लग रही है. बड़ा अजीब सा लग रहा है. जो होता है हम लोग ना बस बैठ के सोच रहे हैं कि कैसे कैसे टाइम क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा. पता नहीं लड़कियों ने बाल कैसे खोल रखे हैं. ओके गाइस तो अभी हमें ऑडिटोरियम में. तो अभी क्या हो रहा है गिद्धे के ऑडिशन हो रहे हैं. गिद्धे के ट्रायल हो रहे हैं. इस एक्चुअली हुआ ऐसा कि मेरी इस टाइम पे मेरी क्लास थी पर वो मैम काफ़ी दिनों से आ नहीं रही है. तो मैंने अपने फ्रेंड्स को पूछा कि मैम आएंगे तो मैंने बोला कि नहीं आएंगे. फिर उसके बाद मैंने कहा चलो ठीक है ऑडिटोरियम में जाके बैठ गए. तो यहाँ पे अभी गिद्धे के ट्रायल होने वाले हैं मतलब लोग आएंगे. और उस टाइम ना काफ़ी ऑडिशन वगैरह चल रहे होते हैं तो यूथ फेस्ट के जो पहले वाला टाइम होता है स्पेशली जब न्यू एडमिशन हुई होती हैं तो अभी आजकल भंगड़ा गिद्धा और इस सबका बहुत चल रहा है. तो हम भी देखें अगर हम जिसे में नहीं होती अगर हम ड्रामेटिक्स क्लब में नहीं होते तो हम ऑलरेडी थिएटर कर रहे हैं. डैट्स वाई हम नहीं देंगे. तो अभी देखते हैं. और यहाँ पे फैन है सबसे बड़ी बात. यहाँ पे फैन और एसी इसलिए हम यहाँ से बैठे हैं. और यहाँ पे ना यूथ फेस्ट भी होता है गाइस. तो अगर आप किसी चीज़ में इंटरेस्टेड हो तो आप इसको ऑडिशन दे सकते हो भंगड़े का गिद्धे का. यूथ फेस्ट में भी होता है और 15 अगस्त के फंक्शन भी होता है. विद दिस भंगड़ा वर्कशॉप इतना भी बहुत ज़्यादा बोर हो चुकी हूँ. मैं शायद घर जाऊँ. ओ मेरी चॉकलेट गिर गई. कोई बात नहीं अच्छा हुआ मैंने फाड़ी नहीं थी. गाइस तो मैंने चेंज कर लिया अपना ट्राउज़र. सो गाइस मैंने चेंज कर लिया क्योंकि अभी मैं जा रही हूँ वर्कशॉप के लिए. तो आपने जैसे भंगड़े वाली वर्कशॉप देखी वैसे एक थिएटर की भी लगती है. मैं थिएटर की वर्कशॉप में और मेरा फेस इतना ज़्यादा ऑयली हो गया. तो अभी थिएटर की वर्कशॉप हमारी 2 बजे कॉलेज पवेलियन में.
ओके गाइस, सो वी आर हियर एट प्रैक्टिस एंड अभी हम लोग करने जा रहे हैं अपनी प्रैक्टिस जो कि हम रन थ्रू मारने जा रहे हैं। पीछे हमारे कॉलेज का ये पवेलियन साइड वाला एरिया है। लुक एट दिस ड्राइंग फेसेस। एक साल रहने के बाद जो बिछड़ने का दुख होता है जो, तो ये हमारे कॉलेज की पवेलियन है एंड हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये हमारे सीनियर्स हैं। ओके गाइस, सो द प्रैक्टिस इज डन एंड यू कैन सी जो फेस पे हमारे पसीना आ चुका है। तो फाइनली हम जा रहे हैं। ओके गाइस, तो अभी मैं जा रही हूँ घर। तो अभी मैंने ना आज सुबह से लंच भी किया तो क्या किया यार जोर से लात पड़वा रही है मेरे को, जस्ट जोर से। तू क्या मेरे को जिंदा नहीं देखना चाहती? तो अभी हम चलते हैं घर पर। घर जाने से पहले हम लोग खाते हैं खाना क्योंकि मैंने आज सुबह से लंच नहीं किया और मैं खाऊंगी समोसा। बाय। रहे हैं घर। ओके गाइस, तो अभी हम खा रहे हैं लंच। तो मैं लाइक से दालू की सब्जी एंड हांजी में लंच करते थे, बहुत टाइम हो गया ना समोसा लंच करते थे। इतना ज़्यादा अच्छा हो गया सुहाना, मतलब पूरा दिन मौसम ऐसा हो जाता तो क्या ही हो जाता है ना जसप्रीत। आज पूरा दिन हम क्या गर्मी में सड़े हैं। आज मैंने दो क्लासेस भी मिस कर दी एंड लुक एट द वेदर नाउ, बहुत ज़्यादा प्यारा वेदर हो रहा है। और अभी हम जा रहे हैं नेस्कैफे, लंच करके आए हैं, उसके बाद चलते हैं घर। मौसम देखो गाइस, मौसम एकदम सुहाना हो चुका है। और मैं आपको अपने कॉलेज का थोड़ा सा बताती हूँ। तो ये है हमारा ऑडिटोरियम, ये है हमारा नेस्कैफे वाला कैंटीन, इसमें जस्ट एक नेस्कैफे है और ये है हमारा कॉलेज। ओके गाइस, तो वी आर फाइनली लीविंग होम एंड मौसम अच्छा था तो अभी हम जा रहे हैं घर। बाय। तो गाइस, आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पे ख़त्म। इट वाज अ गुड डे और मुझे ना अपना फर्स्ट डे याद आ गया कॉलेज का। उस दिन भी बारिश हुई थी और खैर आज बारिश नहीं, मौसम ठीक खराब होके ख़त्म हो गया। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।